देखो चांद आया चांद नजर आया, देखो चांद आया चांद नजर आया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी लाइफ बाय निकिता। मैं हूं निकिता, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो आते ही आपको पता चल जाए कि मेरी न्यू वीडियो आ गई है और आप उसे मिस ना करें। तो आप देख सकते हैं कि मैं वाइट कपड़ों में तैयार हूँ, वाइट इयररिंग्स भी हैं, नेल्स में मैंने पेंट नहीं लिया, वो वाइट कलर के ही हैं, और मेरे को चश्मा भी मिल गया है एक वाइट कलर का, बिल्कुल अच्छा है ना। हैप्पी बर्थडे, मेरा बर्थडे नहीं है, बस ये वाइट कलर का था और मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं यूज़ करूँ। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, 24 आवर्स वाइट चैलेंज, वाइट कपड़े, वाइट ड्रेस, वाइट इयररिंग्स, वाइट चश्मा, और खाने में खाने वाली हूँ मैं आज वाइट 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 ओनली वाइट, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैलेंज, वाइट चैलेंज। तो सुबह हो चुकी है, सबसे पहले हमारी मील होगी वाइट में, वो हैं ये वाइट वाले टेस्टी वाले आलमंड्स, बादाम खाने वाली हूँ मैं सुबह, ताकि मेरा माइंड शार्प रहे और मुझे सब कुछ याद रहे कि मुझे वाइट वाइट में क्या खाना है और चीटिंग ना कर सकूँ। तो नेक्स्ट मैं ब्रेकफास्ट करने चल रही हूँ और मैं बना रही हूँ ओट्स। ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं और वाइट भी होते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ मिक्स नहीं कर सकती, तो मेरे ओट्स रेडी हो गए हैं, मेरे ओट्स हो गए हैं रेडी। तो व्हाइट प्लेट में, व्हाइट बाउल में, और स्पून व्हाइट नहीं होता इसलिए मैंने सूप का स्पून यूज कर रही हूँ। टेस्टी टेस्टी ओट्स का मजा लेने वाली हूँ मैं अपने ब्रेकफास्ट में, तो आप भी लीजिए मेरे साथ व्हाइट चैलेंज में ओट्स का मजा, गर्मा गर्म धुआं छोड़ रहे हैं, है ना। तो आप भी लीजिए, और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके, व्हाइट ब्रेकफास्ट फिनिश करके आपको मिलती हूँ नेक्स्ट मील के साथ, स्टे ट्यून्ड। तो गुड आफ्टरनून हो गई है और हम लंच बनाने वाले हैं। मेरे पास बॉयल्ड राइस बना चुकी थी मैं, लेकिन अब मुझे बॉयल्ड राइस खाने का मन नहीं था, तो मैंने मशरूम सो कर लिया है चॉप, और मैं वाइट सॉस ग्रेवी बनाने वाली हूँ, ओट्स ग्रेवी। ओट्स के लिए हम लेंगे ओट्स, थोड़ा सा मिल्क और गार्लिक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका पेस्ट बन जाएगा, और हल्का सा घी डालकर इसको हम कर लेंगे बॉयल, ताकि एक बॉयल आने के बाद हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इसके अंदर जब हम डालेंगे नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी ओरिगैनो, और थोड़ा से जो हमने मशरूम्स चॉप किए हैं वो तो डालने ही पड़ेंगे ना, तो वो डाल दिए जाएंगे, और हमारी वाइट सॉस ग्रेवी के साथ मशरूम्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, जो कि बॉयल्ड राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। यार सिंपल बॉयल्ड राइस कौन खाता है, इतने गंदे लगेंगे, इसलिए मेरे को वाइट चैलेंज नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि नहीं निकिता तू कर सकती है। और मेरे ग्रेवी वाले मशरूम्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और साथ में मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया, ये थोड़ी सी मैंने चीटिंग करी है थोड़ी सी, और मेरे बॉयल्ड राइस तो मेरे पास तैयार थे, जो कि मैंने अपनी प्लेट में डाल लिए हैं, और ये मेरा लंच हो गया है रेडी, थोड़ा धनिया चावलों पर भी, लंच रेडी। तो आपने देख लिया है मैंने लंच रेडी कर लिया है, तो मैं करती हूँ लंच, ले ही आती हूँ। देखो मेरे मशरूम्स और ये है राइस, बॉयल्ड राइस, तो वाइट ही खाना था तो मशरूम्स मेरे पास लकीली घर पे मिल गए, वाइट बॉयल्ड राइस तो बनाए थे, मेरे को बिल्कुल मन नहीं था कि मैं सिंपल बॉयल्ड राइस खाऊँ, पहले मेरे को सोचा था कि मैं बॉयल्ड राइस और कर्ड खाऊंगी, बट यार उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो फिर मैंने इसलिए मशरूम्स बना लिए, वो भी वाइट सॉस के साथ, मैं खा के देखती हूँ कैसे बने हैं। और हाँ थोड़ी सी चीटिंग की है मैंने, थोड़ी सी इसके ऊपर धनिया डाल दिया, क्योंकि धनिया के बिना ना वो टेस्ट नहीं आता, बट ठीक है यार एक थोड़ी सी चीटिंग तो चलती है। नॉट बैड, अच्छा बन गया। आप भी अगर वाइट सॉस के साथ खाना चाहें तो मशरूम्स खा सकते हैं। तो मैं ये अपना लंच फिनिश करके वापस आती हूँ, और फिर हम बाकी के आगे का प्रोग्राम करते हैं, ताकि 24 आवर्स चैलेंज लंबा है, लंच तक हम पहुँच गए हैं, और लंच के बाद देखते हैं क्या करते हैं, पहले मैं लंच कर लेती हूँ, तब तक आप जाना मत क्योंकि वीडियो चलती रहेगी कंटिन्यूसली, वीडियो में टाइम लैप्स नहीं आएगा, तो डोंट गो एनीवेयर, मैं अभी आई लंच फिनिश करके। और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक कर दो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस मेरा लंच हो चुका है, मैं आ गई हूँ अपने वाइट कलर के बेड पर, और अब दोपहर का टाइम हो गया है, तो खा पी के नींद भी आती है, तो हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो कंटिन्यूसली चल रही है, तो आगे ये वीडियो सोने नहीं वाली, सिर्फ मैं थोड़ी देर के लिए सोने वाली हूँ, और उसके बाद हम चलेंगे इवनिंग पर, और देखेंगे कि हम इवनिंग में क्या खाते हैं। यार मैं इवनिंग में चाय कैसे पीऊँगी, चाय तो वाइट कलर की होती ही नहीं, भाई फिर से दूध ना पीना पड़ जाए मुझे। नो 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 नो, मैं सोचती हूँ कि क्या पीऊँगी, और थोड़ा सा स्नैप लेती हूँ छोटी सी, आप कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा स्टे ट्यून्ड, क्योंकि वीडियो साथ चलती रहेगी, तो डोंट गो एनीवेयर, आई एम बी बैक। चलो जी चलो, शाम हो गई है और मैं वापस आ गई हूँ अपनी वाइट वाइट ड्रेस में। शाम हो गई है तो हमें कुछ खाना था, पीने के लिए मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ट्रिक यूज़ करी है कि मैं पीऊँगी चाय। यार चाय तो चाय है, लेकिन पीऊँगी मैं वाइट में ही, फॉर श्योर। सो हेयर इज़ माई टी,
हेलो गाइस, चाय पी लो। तो मैं चाय तो पी रही हूँ, लेकिन वो वाइट कप में है और साथ में मैंने बनाया है ये। किसी को पता है? देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया। अच्छा, इग्नोर माय हॉरिबल वॉइस एंड चाय एंड पापड़। वाइट 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 वाइट, सॉरी। आपको देख के, मेरे को देख के, अगर आपका भी मन कर गया है तो आप भी चाय और पापड़ का अंदर ले सकते हैं। तो गाइज, इट्स माई लास्ट मील ऑफ द डे, जो कि मैं वाइट खाने वाली हूँ। वो है मेरा डिनर, जो मैंने आपको दिखाया है कि मैं खाने वाली हूँ पनीर वाला सैंडविच विद चीज़, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ें वाइट होती है। और आपको ये ना लगे कि मैं धोखा दे रही हूँ आपको, तो मैं आपको दिखा दूँ कि सही में रात हो गई है और मैं सही में डिनर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी लास्ट मील है। इसके बाद मैं कुछ वाइट नहीं खाने वाली। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर अंधेरा हो चुका है, तो लेट्स सी। हो चुका है, ये सिर्फ जो कमरे की लाइट है वो पता चल रही है, अदरवाइज अंधेरा हो चुका है। सिंपल डिनर, ब्रेड के ऊपर लगाओ पनीर और लगाओ चीज़ का सैंडविच और इसे टोस्ट करके खा लो। डिनर डन। मेरे सैंडविचेस बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब मैं करने वाली हूँ अपना डिनर। तो आज का मेरा 24 आवर वाइट वाला चैलेंज हो गया है कंप्लीट विद माय डिनर। तो अब मैं करती हूँ डिनर। और आप भी अपना डिनर करिए, एंजॉय करिए अपने डिनर को। तो आप लोग भी कर सकते हैं ये वाला चैलेंज अपने घर पर, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अकेले भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया। तो आप ये चैलेंज करेंगे और मुझे बताइए कि आप और कैसा चैलेंज देखना चाहेंगे। मैं और भी चैलेंजेस करने वाली हूँ आगे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट भी करके बताओ कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।